हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आपको पता है आपका भाई छुट्टी आया था वैकेशन पे। अभी वैकेशन हो गया ख़त्म, तो वापस जा रहा हूँ काम पे अपने। और अभी ट्रेन मेरी आ चुकी है, ट्रेन में बैठते हैं। और मेरी ट्रेन है हरिद्वार से दिल्ली। और अभी ट्रेन में हम बैठ गए हैं अंदर, और अंदर का नज़ारा देख लो आप किस तरह से। यार एकदम मस्त है नज़ारा भाई। 8 साल के बाद मैं सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन का। और भाई साहब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा 8 साल के बाद जो मेरा ट्रेन का था, मस्त एकदम मज़ा आ गया। तो अभी भाई खाने का ऑर्डर लेके गया, खाने भी आने वाला है। तो अभी खाना आ चुका है। खाने में देखो यार क्या मस्त है यार, एकदम दाल पालक वो मटर पनीर की सब्जी है, आलू की सब्जी, पराठा, राइस, दही, सब कुछ यार मस्त है एकदम भाई। खाना तो मैं क्या बताऊँ, एकदम गजब है यार खाना। और यह है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी दिल्ली जाने में टाइम लगेगा, ट्रेन को भी टाइम लगेगा दिल्ली पहुँचने में। तो दिल्ली पहुँच के फिर हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अरे बहुत विदेशों की हिसाब किताब बना तो दिया दिल्ली में। अभी नहीं सुना आपने दिल्ली एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का पूरा ताकत लगा दिया मोदी ने। ये जगह ज़्यादा मिलने से, यहाँ पर जगह ज़्यादा है ना, ज़मीन ज़्यादा होने से लोगों को शक्ति आता है ना। अच्छा, इसीलिए ये चक्कर में यहाँ अभी विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ये अभी देखना कैसा, ये सारा विदेशी काम चल रहा है, सारी जगह बहुत है। 2-4 साल बाद देखना, कोई शीशा नहीं खुलता ये एयरपोर्ट नज़दीक होने के वजह से। यहाँ से लैंडिंग करता है ना फ्लाइट, और यहाँ देखने लोग शीशे से देखते हैं ना। अच्छा, ये बुलेट प्रूफ शीशे हैं इसके, शीशे से देखते हैं सारे, ये कोई भी नहीं बोलेंगे क्यों भी खतरा है नहीं। एयरपोर्ट है, प्लेन खड़ा देते हैं आसपास। अच्छा, इस वाली बिल्डिंग का भी ऐसे ही होगा? सारे बिल्डिंग का भैया, ये सारे एयरो सिटी इसीलिए तो बनाया है एयरो सिटी। अच्छा, जो इधर से इधर का ना दिखे। कुछ देखना तो देखेगा, लेकिन ये बुलेट प्रूफ है, जो मंत्री की गाड़ी में हो गए शीशे। बिल्डिंग तो बहुत खतरनाक बना रखी है। देखो इसमें लाइफ में तो कितना खतरनाक आता है, मैंने तो डाला था ना एक लाइफ। जब हम दिल्ली से जा रहे थे ना एयरपोर्ट की तरफ, तो देखो कितना बड़ा टायर है यार, जेके टायर का भाई, बहुत तगड़ा लोगों बना रखा है। और ये देखो हमें प्लेन का फोटो भी मिला, प्लेन मतलब ये बना हुआ है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक, और एंट्री हमने कर ली है। देखो यार किस तरह से एकदम क्लीनिंग वगैरह सब कुछ यार मस्त है यार। जो हमारे सामने देख पा रहे होंगे हाथी यार, ये अभी हम चल दिए अंदर की तरफ, ड्यूटी फ्री एरिया की तरफ। और अभी हमारा जो चेक इन है, इमिग्रेशन सब कुछ हो चुका है। और देखो यार क्या मस्त मस्त है यार भाई, दारू की बोतल भाई ड्यूटी फ्री में तो मस्त है यार एकदम। थोड़ा महंगा तो मिलता सामान यहाँ पर, लेकिन एकदम लाजवाब मिलता भाई, क्वालिटी वगैरह सब। तो अभी देखो मैं पहुंच गया हूँ वेटिंग एरिया में, मेरा इमिग्रेशन चेकिंग सब कुछ हो गया है, बोर्डिंग हो गया है सब कुछ। और अभी हम जा रहे हैं अपने फ्लाइट की तरफ। और देख लो यार बाहर देखो प्लेन सब कुछ खड़ा है। अभी मैं प्लेन के अपना जो एंट्री हो रहा है ना उसके पास पहुंच गया हूँ अभी। तो देखो इंजन यार आप देख रहे हो ना, ये पंख यार इतना बड़ा पंख भाई, जो तेल होता है ना प्लेन का इन्हीं पंख में भरा होता है। इंजन के मतलब जो तेल लगता है ना यूज़ होने के लिए, वो इन्हीं पंखों में होता है। और प्लेन के अंदर 3 टैंक होते हैं, 2 तो साइडों में पंखों में और एक होता है मिडिल में। और अभी मैं फाइनली बैठ गया हूँ फ्लाइट के अंदर। और देखो यार एतिहाद की फ़्लाइट है, एतिहाद की फ़्लाइट में देखो आपको टीवी भी मिलता है, मतलब इस तरह का LCD टाइप का भी मिलता है आपकी सीट। और अभी हम फाइनली पहुँच गए हैं अबूधाबी, क्योंकि हमारे अबूधाबी रुक के हमारी फ़्लाइट जाएगी 1 घंटा। तो अभी हम वेट करेंगे फ़्लाइट का, इधर ही दूसरी फ़्लाइट का कनेक्टिंग फ़्लाइट है ना गाइस। एयरपोर्ट पर फ़्लाइट पहुंच गई है, अबू धाबी में हूँ अभी। और अभी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा मुझको 1 से 1.5 घंटा, फिर उसके बाद फिर से दोबारा से चेक इन, इमिग्रेशन से सब कुछ होगा। और अभी इमिग्रेशन सब कुछ हो गया है, अभी मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी फ्री की तरफ। ड्यूटी फ्री क्लोज करने के बाद आगे मिलेगा हमको। तो फाइनली वहाँ थोड़ी देर वेट किया, अभी हमारी बस आ गई है, कोई फ़्लाइट हमारी रनवे की तरफ खड़ी थी, तो बस हमें रनवे की तरफ लेके जा रही है। और देखो यार कितने बड़े प्लेन है, आज में सामान जाता है, किसी कोई कार को फ्लाइट है, कोई पैसेंजर फ्लाइट है, तो बहुत सारी यार फ्लाइट तो आपने देख ली होंगी किस तरह से खड़ी हैं, आप सब लाइन से खड़ी हैं। या आप देख पा रहे होंगे ना ये जो छोटा छोटा डब्बा है आगे प्लेन के आगे खड़ा है, इसके अंदर पैसेंजर है। और AC अभी रनवे पर खड़ा है ना, तो AC इसी से चल रहा होगा, इसी से चलता है। तो अभी हमारी फ़्लाइट भी आने वाली है, तो अभी फ़्लाइट से उतर गए हम, बस से उतर गए और अभी चलते हैं फ्लाइट में बैठते हैं। देखो आप कितना तगड़ा इंजन है भाई, एतिहाद की फ़्लाइट तो भाई गजब की फ़्लाइट है, एकदम मस्त सर्विस है। खाना भी यार बहुत अच्छा देते हैं भैया, आपकी फ्रेंड में देखो यार ये इंजन है भाई।
इंजन की पंखड़ी देखो, मैंने एकदम जूम करके लिया ना उस आपके लिए, ताकि आप भी देख पाओ, जो मेरे भाई हैं जो प्लेन में नहीं बैठते ना, वो भी देख सके। ये यही वो बस है ऐतिहासिक जिससे हम इस प्लेन तक पहुँचे। तो अभी फाइनली देखते हैं आप, क्योंकि ये रस हो रहा है काफ़ी, क्योंकि एयर होस्टेस ना एक एक करके अंदर को जाने देती है, क्योंकि सबका बोर्डिंग चेक करती है वो, क्योंकि कई जगह चेकिंग होता है इसलिए कि कोई गलत बंदा गलत फ्लाइट में ना बैठ जाए। तो वहाँ पे हर जगह कई जगह बार बार चेकिंग होता है, तो इमिग्रेशन के टाइम पे भी चेकिंग होगा, फिर अंदर आओगे फिर चेकिंग होगा, फिर जब फाइनल गेट की तरफ आओगे तब भी चेकिंग होगा, जब फ्लाइट में बैठोगे ना उस समय भी चेकिंग होगा। तो अभी हमारी फ्लाइट चलती है भाई, उड़ने वाली है। तो अभी हम अबू धाबी से उड़ चुके नहीं हैं, रनवे पे हैं, फ्लाइट अभी हमारी उड़ने वाली है विद इन 1-2 सेकेंड के अंदर, बस उड़ने वाली है। उड़ गई ये हवा में उड़ गई भाई, के मस्त एकदम नज़ारा। देखो यार, जब फ्लाइट ऊपर उड़ती है ना, तो भाई उसका भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो देखो यार गाइस, ये है अबू धाबी एयरपोर्ट। देखो कि भाई कितना बड़ा एयरपोर्ट है यार, बहुत अच्छा एयरपोर्ट है और बड़ा भी है। अभी आपने देखा होगा ना मिशन इम्पॉसिबल एक मूवी बनी है, वो जो बनी है ना वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर बनी है ज़्यादातर। क्योंकि जब हम बैठे थे ना प्लेन के अंदर जो सीट थी, तो उसके पीछे भी लिखा हुआ था कि पार्टनर है बोल के, अब एतिहाद एयरपोर्ट एतिहाद एयरवेज उसमें पार्टनर है। तो बस, तो यार आई होप यार ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं वापस आ गया हूँ, कहाँ पे, कुवैत में पहुँचने वाला हूँ, पहुँच जाऊँगा, फ़्लाइट उड़ चुकी है, तो अभी थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट भी लैंड हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दूर रास्ता नहीं है, ये 30-40 मिनट का रास्ता है खाली। तो बस यार आप लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, वीडियोस मेरा आता है कुछ, अगर आपको पसंद आता है ना, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब तो खुद ही करोगे, तो बस भाई का थोड़ा सपोर्ट कर देगा और लाइक करके। तो आपको यहाँ पे इसी तरह से अभी नए नए ब्लॉग्स में लेके आता रहूँगा, और गल्फ़ से जुड़ी जानकारी वगैरह और जॉब से रिलेटेड वीडियोस और मोबाइल लैपटॉप और डेली ब्लॉग्स और कुवैत में कौन कौन सी जगह घूमने की है, उस तरह के सारे टॉपिक मैं कवर करने के लिए कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का कमेंट भी कर देना भाई। और अभी हमारी फ़्लाइट हो गई है भाई कुवैत में लैंड। देखो आदमी जहाँ रहता है ना वो भी उसका सेकंड घर होता है, तो भाई अभी हम अपने घर पे हो गए लैंड कुवैत में। तो इतना ही कहूँगा यार, अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए कुवैत से रिलेटेड, किसी बात का क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, और वीडियो के अबाउट में जाकर वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी भी है, डायरेक्ट मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर इसी तरह के वीडियोज़ ब्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।